शालिनी मुकेश शुभलिकर चैनल। सो आज मैं आप लोग को सिखाने जा रही हूँ हिंदी सुलभ भारती आठवीं कक्षा इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। थर्ड लेसन, नाखून क्यों बढ़ते हैं। राइटर है आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी। परिचय, ये जो राइटर है उनका परिचय है ये। जन्म 1907 बलिया उत्तर प्रदेश, मृत्यु 1979 उत्तर प्रदेश। परिचय, द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार है। आपका व्यक्तिमत्व बड़ा प्रभावशाली और आपका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। प्रमुख कृतियाँ, अभी उन्होंने क्या क्या लिखे थे, मेन उनके राइटिंग्स क्या है। अशोक के फूल कल्पकता निबंध है, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा उपन्यास आदि यानी एटसेट्रा। अभी गद्य संबंधी इस लेसन के बारे में, प्रस्तुत वैचारिक निबंध में आचार्य हरिप्रसाद ने नाखून बढ़ने को पशुता का चिन्ह माना है। पशुता यानी क्या, यानी इंसान जो जानवरों के जैसे बिहेव करता है ना, उसे कहते हैं पशुता। कभी कभी गुस्से में आके बोलते हैं ना, इंसान हो के जानवर हो तुम लोग, इस तरह से। नाखून पशुता बुराइयों का प्रतीक है। आपका कहना है कि जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, ठीक उसी तरह यदि किसी में बुरी आदतें आ जाए तो उन्हें त्याग देना चाहिए। यहाँ पर नाखून का एग्जाम्पल दे के उन्होंने एक इंसान की तरह किस तरह से रहना चाहिए, अच्छे इंसान की तरह। अपने हर इंसान के अंदर कहते हैं ना, एक जानवर होता है, तो उस जानवर को नाखून कहा गया है। अगर नाखून बढ़ते हैं यानी हमारे अंदर बुराइयां बढ़ रही है, तो जिस तरह से नाखून बढ़ने के बाद हम लोग उन्हें काट देते हैं, उसी तरह अगर हम लोगों के अंदर कोई बुरी आदतें आ गई है तो हमें तुरंत उनका त्याग कर देना चाहिए, उन आदतों को छोड़ देना चाहिए। अभी देखते हैं लेसन में क्या है। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। अभी अल्पज्ञ यानी जिसको कम ज्ञान है, वो अल्प ज्ञान वाले पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। अगर उनको पता ही नहीं है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो अगर ऐसे बच्चे सवाल पूछते हैं तो बेचारा वो संकट में आ जाता है। इसके लिए वो जो पिता होते हैं वो बहुत ही दयनीय यानी उनके ऊपर दया करने जैसी अवस्था हो जाती है, अल्पज्ञ यानी कम नॉलेज वाले। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। अभी छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अनएक्सपेक्टेड बहुत सारे सवाल करते हैं, तो कभी कभी जो बड़े लोग होते हैं ना, उन लोग को बेचारों को समझ में नहीं आता कि इनको क्या जवाब दें। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं, काट दीजिए वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। अभी इसे किस नाखूनों को कहा गया है, हम लोग नाखून काटते हैं फिर थोड़े दिन के बाद वो बढ़ जाते हैं, तो नाखूनों को ही कहा है कि निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर से जैसे के तैसे हो जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों है। बेहया यानी बेशरम। काटते हैं फिर बढ़ जाते हैं, हम लोग काटते रहते हैं, ये लोग फिर बढ़ जाते हैं। आप लोगों को तो कितनी बार डांट खाना पड़ता होगा ना, स्कूल में भी चेकिंग होता है ना, नेल बड़े हैं क्या नहीं, काटे हैं क्या नहीं, और जिसके बड़े नेल होते हैं उन लोग को पनिशमेंट भी मिलती है। इसके लिए कहते हैं टाइम टू टाइम नेल काट देनी चाहिए। अभी छोटे बच्चों के नेल जो काटते हैं ना, क्यों काटते हैं, क्योंकि उन लोगों के नाखूनों में गंदगी जमा हो जाती है, फिर उसी वही हाथ को बच्चे लोग मुंह में डाल देते हैं तो बच्चे बीमार हो जाते हैं। इसके लिए स्कूल में चेक करते हैं नाखूनों को, क्योंकि सबसे ज़्यादा जर्म्स होते हैं नाखूनों में जमा हो जाते हैं। ये एक्स्ट्रा नॉलेज था तुम लोगों को।
कुछ लाख ही वर्षों की बात है, यानी लाखों साल पुरानी ये बात है, जब मनुष्य जंगली था। तुम लोग को मालूम है ना, हिस्ट्री में तुम लोगों ने सीखा है कि पहले आदमी जंगल में रहता था, तभी वो घर वीर नहीं था, जंगली के जैसा रहता था, वन मानुष जैसा। वन मानुष यानी जंगल में रहने वाला मनुष्य, जंगल में रहने वाला इंसान, उसे नाखून की जरूरत थी। तभी जब वो जंगल में रहता था तभी उसे नाखूनों की जरूरत थी, उसके जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। अभी देखो, सबसे पहले कोई भी अटैक करता है तो अपना बचाव करने के लिए इंसान उस समय में क्या करता था, नाखूनों से वो कैसे खरोच निकालते हैं, नाखूनों से अटैक करते हैं, उस तरह से बचाव खुद का करता था। असल में वही उसके अस्त्र थे, अस्त्र यानी हथियार, यानी कि वेपन्स थे, दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। अभी उस समय में जो आदमी लोग थे ना, उन लोग के दांत भी उनके वेपन हुआ करते थे। लेकिन सबसे पहले कोई भी अटैक करता है तो हम लोग पहले हाथ आगे करते हैं ना उसको रोकने के लिए, क्या दांत आगे करते हैं, तो इसके लिए नाखून जो थे वो सबसे पहला हथियार था, और दांत जो थे वो बाद में के हथियार थे, सेकेंड हथियार थे दांत। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। अभी जब जैसे जैसे इंसान को समझने लगा, फिर उसे पता चला कि दूसरे भी चीज़ों से वह हथियार बना सकता है। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए, बोन्स, हड्डी यानी बोन्स के भी हथियार बने। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा, उसने धातु के हथियार बने, धातु यानी मेटल के भी हथियार बनाए। इतिहास आगे बढ़ा, फिर हिस्ट्री आगे बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है ना, डांट पड़ती ना तुम लोग को नाखून नहीं काटते तो, वे रोज बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य जब नाखून को नहीं चाहता, ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है, यानी अभी भी हमारे नाखून है। एक्चुअली देखा जाए तो अभी हम लोग को उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो नाखून हम लोग को अभी आते हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर जो पशुत्व है उसके बारे का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। लेकिन जैसे ही नाखून बढ़ते हैं इंसान उसे काट देता है। क्यों काट देता है? वही उसकी इंसानियत की निशानी है, इसके लिए वह नाखून नहीं बढ़ाता, काट देता है। मेरा मन पूछता है, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर? अस्त्र यानी मैंने आपको बताया ना हथियार, वेपन्स, वेपन बढ़ाने की ओर बढ़ रहा है या वेपन काटने की ओर बढ़ रहा है? मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। अभी निर्बोध यानी इनोसेंट, उनकी जो अज्ञानी अनजान इनोसेंट जो बेटी थी, उसने उनको पूछा कि मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। इस सवाल को पूछ के, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। अभी नाखून बढ़ते हैं वो अपने पशुता की निशानी है, और अभी ये जो हथियार हम लोगों ने बनाए हुए हैं, एटम बॉम्ब वगैरह, टाइम बॉम्ब, एटम बॉम्ब, ये जो अस्त्र शस्त्र भी बढ़ रहे हैं, तो ये किसकी निशानी है? ये भी हमारे अंदर जो पशुता है उसकी निशानी है। स्वराज्य होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। अभी स्वराज्य होने के बाद, आजाद होने के बाद, हमारे नेता और अपने जो विचारशील नागरिक है वो लोग सोचते हैं कि हमारे देश को सच्चे अर्थ में सुखी कब बनाया जाए और कैसे बनाया जाए। हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्ज्वल है, क्योंकि अपने आप पर अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है।
अभी इसमें हमारी जो परंपरा है, अपने जो कल्चर्स है, अपने जो ट्रेडिशंस है, जो हम लोगों को हमारे फैमिली में से मिला हुआ है, उसे संस्कार कहते हैं। तो ये जो हम लोगों को नॉलेज दिया गया है अपनी फैमिली में से कि झूठ बोलना बुरी बात है, कभी भी किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, तो ये जो छोटी छोटी बातें हम लोगों को बचपन से सिखाई गई है, वो अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। इसके लिए हम लोग बुरे काम करने से, झूठ बोलने से डरते हैं कि हम लोग को पता बताया हुआ रहता है ना कि ऐसे करना बहुत बुरी बात होती है, तो हम लोग बुराई से डरते हैं। ये कहीं ना कहीं हम लोगों की जो संस्कृति है उसमें से ही हम लोगों को हमारे पेरेंट्स लोगों ने सिखाया हुआ है। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? अभी इंसान जो है वो एनिमल से किस बात में अलग है, भिन्न है, यानि अलग है, डिफरेंट है, उसमें संयम है। अभी देखो इंसान में और पशु में क्या डिफरेंस है, उसमें संयम है। किसमें? इंसान में अपने आप पर कंट्रोल है, दूसरे के सुख दुख के प्रति समवेदना है। अगर किसी को किसी के साथ बुरा होता है या किसी के साथ अच्छा होता है तो बुरे में भी हम लोग साथ देते हैं और अच्छे में भी, उनकी खुशियों में भी हम लोग उनका साथ देते हैं। श्रद्धा है, भगवान को मानते हैं, तप है, मेहनत करते हैं, ईमानदारी से रहते हैं, त्याग है, किसी भी चीज़ को छोड़ने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। अभी त्याग मीन्स क्या? अगर समझो तुम्हारा छोटा भाई है और कुछ चीज़ है या पेंसिल है बोलो या पेन है बोलो, मम्मी ने तुम लोगों के लिए लेकर आए और छोटा भाई आपका जिद कर रहा है कि मुझे वो चाहिए, भले वो उसे किसी भी काम का नहीं है, फिर भी तुम लोग उसको रोने को नहीं देते हैं, अपना जो पेन है वो उसको आप लोग दे देते हैं, इसी को त्याग कहते हैं। ठीक है, अरे नहीं नहीं वो रो रहा है, वो चुप हो जाएगा पेन देने के बाद, ये सोचते हो क्या नहीं आप लोग, उसी को त्याग कहते हैं। इसीलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। तो तुम्हारा भाई अगर जीत करता है तो तुम लोग क्या लड़ते हो उसके साथ में, उसको फाइट मारते हो क्या? नहीं ना, मारा मारी करते हो? नहीं, अब तो छोटा है उसको कहाँ समझता है, ऐसे बोल के आप लोग झगड़ा नहीं करते हो, लड़ाई नहीं करते हो और उसे आप लोग पेंसिल दे देते हो। इसी का मतलब ये है कि मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन झगड़ा ही नहीं होता है। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है। अभी गुस्से में आकर कोई भी किसी के साथ बुरा व्यवहार करे तो इस बात को इंसान बुरा मानता है। वचन मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। वचन यानि बोलने से, मन यानि सोचने से, शरीर यानि अपने बॉडी के थ्रू कोई भी गलत काम किया, असत्य काम किया, झूठा काम किया तो उसका मन उसे गलत मानता है। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। अभी नाखून का बढ़ना, इंसानों के नाखून का बढ़ना बंद हो जाएगा, ऐसे प्राणी शास्त्रियों का कहना है, उनका एक अंदाजा है कि पहले जब इंसान था तो उसको एक छोटी सी पूंछ थी, फिर धीरे धीरे जब से जैसे वो प्रोग्रेस करने लगा वैसे वैसे उसकी जो पूंछ थी वह खत्म हो गई। तो जिस तरह से इंसान की पूंछ झड़ गई उसी प्रकार नाखूनों का आना भी बंद हो जाएगा। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। जिस दिन इंसान के नाखून आना बंद हो जाएंगे उस दिन इंसान के अंदर जो थोड़ी बहुत पशुता है वह भी लुप्त हो जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी, गायब हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा।
अभी मरणास्त्रों का प्रयोग यानी क्या, ये जो एटम बॉम्ब, टाइम बॉम्ब, बंदूक, राइफल वगैरह जो भी है वो उसका भी प्रयोग बंद कर देगा जब उसमें इंसानियत आएगी तभी। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। अभी इंसान लोग नाखूनों को काट देते हैं बढ़ने के बाद में। हाँ, अभी कोई कोई लोग फैशन करके बढ़ाते हैं, वो बात अलग है, इसका इसमें जिक्र नहीं हुआ है, नहीं तो तुम लोग फिर बोलेंगे सबको पशु है करके। तो नाखून बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। अभी क्या होता है ना, कभी कभी बच्चे भी खेलते हैं ना आपस में, अगर उनके नाखून बढ़े रहते हैं तो उन लोगों को एक दूसरे के नाखून लगने का भी डर होता है, या फिर कभी कभी बच्चों के नाखून उनको ही लग जाते हैं जोर से। मनुष्य में घृणा है जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है। अभी घृणा यानी क्या, घृणा यानी नफरत, हेट। अभी मनुष्य के अंदर एक अननोन हेट होता है, किसी के भी प्रति हो सकता है, वो इंसान के प्रति हो सकता है, चीज़ों के प्रति हो सकता है, एनिमल के प्रति हो सकता है, ठीक है। तो ये एक नेचुरल होता है, इसके लिए कोई प्रॉपरली तुम लोग को टीच नहीं करता कि तुम इसे हेट करना हाँ करके। तो मनुष्य में जो घृणा है जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है वह पशुत्व का द्योतक है, द्योतक है यानी निशानी है, वह पशुत्व की निशानी है, यानी कभी किसी से नफरत नहीं करना चाहिए, घृणा नहीं करनी चाहिए। अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है, अंडरलाइन करो इसे। अपने को संयत रखना, अपने आप पे कंट्रोल रखना और दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। दूसरे के फीलिंग्स का आदर करना, रिस्पेक्ट करना, ये इंसान का खुद का एक धर्म होता है, वो इंटरनल होता है हर इंसान को। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। अभी बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करते हैं। अभ्यास यानी पढ़ाई लिखाई और तप यानी जो भी तुम लोगों को लाइफ में धीरे धीरे जो भी एक्सपीरियंस है तुम लोग बातें सीखते हो उससे आप लोगों को जो एक्चुअल में नॉलेज मिलता है वही वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। तप की चरितार्थता प्रेम में है, मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से देने में है, अंडरलाइन करो इसको। मनुष्य की चरितार्थता उसका जो कैरेक्टर है वो किस में है, प्रेम में है, लव में है, मैत्री में है, फ्रेंडशिप में है, त्याग में है, सेक्रीफाइस में है, अपने को सबके मंगल के प्रति निशेष भाव में भाव से देने में है। यानी मंगल यानी हर इंसान के बारे में अच्छा सोचना, किसी का बुरा नहीं सोचना। नहीं तो क्या होता है, किसी के झगड़ा होता है, अरे उसका ना देख अभी जाते हैं तो गिर जाएगी, उसका शरीर फूट जाएगा, ऐसे हो जाएगा वैसे, किसी को बद्दुआएं देते हैं ना, ऐसे नहीं देनी चाहिए कभी भी। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंधसहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंधसहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। नाखूनों का बढ़ना अंधसहजात वृत्ति का परिणाम है, यानी एक अंधविश्वास है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है इंसान को जो उसके नाखूनों से वह प्रूव करता है कि अगर उसके बढ़ने से उसके जीवन में सफलता आएगी, लेकिन मनुष्य उसको काट देना उस स्वनिर्धारित यानी
खुद डिसाइड किया हुआ है कि मुझे ये नाखूनों को बढ़ाना नहीं है, इसे काट देना है। तो ये इंसानियत की सबसे बड़ी निशानी है, आत्मबंधन का फल है। यानी खुद के जो थॉट प्रोसेस है ना, उसके ऊपर तुम लोगों को फॉर्म रहना चाहिए, उसका ये आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाता है। चरितार्थता मींस क्या? सामर्थ्य, सक्सेस, अच्छाई की ओर ले जाता है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। इसका मतलब क्या है? नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, लेकिन मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। इसका मतलब ये है कि मनुष्य जो है वो अच्छा एक ह्यूमन बीइंग की तरह रहेगा, वह पशु की तरह जीवन नहीं जिएगा। इसका मतलब ये है, समझे तुम लोग? ठीक है, तो इस तरह से मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से लेसन समझा दिया है। एक बार नहीं समझ में आया तो 2-3-4 बार आप लोग ध्यान से देखिए। और सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप लोगों को लेसन्स पढ़ने चाहिए, तभी ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अच्छे से पढ़ो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें तो यू पीपल आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, फिर चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।